हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आरएस हो? ब्लॉक 5684 में आप सभी फ्रेंड का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपकी कनपुरिया भाभी जी के साथ में लेकर के आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग। तो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ पूरा वीडियो हमारा वॉच कीजिएगा। तो भाभी जी, जलने वालों के लिए क्या कहना चाहती हो? और जलने वालों, क्या हाल है तुम्हारे? जलने वालों, ऐसे ही आहा, जलते तो रहो। अब जलोगे तो अपना ही खून फूकोगे, और चाहे जितना अच्छा अच्छा तुम खा लो लेकिन तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा। तुम जिंदगी भर परेशान रहियो, ये अगर ये बद्दुआ लग जाएगी हमारी तरफ से, ध्यान रखना। तो हमारे ऊपर चलना नहीं, हम सुनो, मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमारी वाइफ है, हम दोनों लोग मिल करके ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनवाते हैं। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इधर उधर कहता घूमता है, तो इधर उधर कहने के बजाय सामने आने की हिम्मत नहीं कि सामने हमारे मुंह पर बोलिए कि हमें तुमसे ये प्रॉब्लम है। तो कोई भी हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है, हाँ तो किसी अब के ऊपर जलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बैठ जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो हाँ, बैठो। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मेरे जितने व्यूवर हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मेरे खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो अब रही बात जलने वाले की, तो आजकल घर से लेकर हमारे रिश्तेदार तक, हम खुद कह रहे हैं खुल के ये बात, घर से लेकर रिश्तेदार तक इतनी जलन मची है कि मिर्चा लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं वो आपको पता होगा। इतना मिर्चा लग रहा है, धुआं धुआं लग रहा है। तो आप लोग भी सुन लीजिए, जो हमारे भाई बहन नए यूट्यूबर्स हैं वो लोग भी वीडियो बनाते हैं, उनके तो भी तो कोई, समस्या समस्या उनके खड़ी ही हो सारी समस्या खड़ी होती है। उनके समस्या बस वहीं से शुरू होती है, उनके रिश्तेदारों से, उनके घर परिवार से, उनके आस पड़ोस से, बस ये समस्याएं शुरू होती। तो माय लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहते हैं कि जो जलता है, पता नहीं कैसे लोग इतना टाइम निकाल लेते हैं कि दूसरे की वो कमियां खोजते हैं, फिर इधर उधर चर्चा करते सुनो, हैं, इधर उधर पंचायतें करते हैं। हम बता रहे, मेरे मोहल्ले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों झूठ बोले किसी के नहीं, बारे में? हम अपने मोहल्ले के मुझे बारे कोई में मैं प्रॉब्लम कुछ नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनके मैं लिए ये बात जो समझने जो वाले के वीडियो लिए लेके इशारा आए हैं काफी ना, है। जो बुराई कर रहे हैं ना मेरी इधर उधर करके, तो जो उनको वो करते जरूर हैं देखेंगे मेरा ब्लॉग, मुझे पूरा यकीन है। और मेरा ब्लॉग देखना तो पता लग जाएगा कौन क्या कहता है। तो उसी के लिए है, जो बुराई करता है, जो डेली ब्लॉग मेरा देखता है, बुराई करता है, बस उसके लिए ये ब्लॉग है। हमारा कहने का मतलब, मेरे हस्बैंड, हम इसकी वाइफ हैं, ठीक है? और हम दोनों ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, और जिसको जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले वरना। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, कुछ कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुम लेकिन मर जाओगे, अगर हम लोग दुआ भी दे सकते हैं तो बददुआ भी दे। सुबह का वक्त है, कुछ खाए पिए नहीं है, चाय पिए हैं सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी खाए पिए नहीं। अगर हम लोग दुआ भी दे सकते हैं तो बददुआ भी दे सकते हैं, ठीक फिर है? विनाश है हो जाएगा, ये बात समझ लेना जलने वालों। तो सोच समझ के बस इतना जलो जितना चल जाए, इससे ज्यादा मत जलिए, जितना जो है जरूरत से ज्यादा मत जलिए। फिर जलने हमारी दो बद्दुआ बहुत मतलब खराब। उनका मतलब ये है, हम तुम्हें सच खुल के बताएं, उनका मतलब है कि हम इनको टॉर्चर करवाएंगे और ये वीडियो बनाना वीडियो बंद बनाना कर नहीं बंद देंगे। करेंगे हम, तो बराबर मुझे इतना भी हम फर्क नहीं बराबर अपने चैनल पड़ता। से जुड़े रहे हैं, और विकट परिस्थितियों में भी हमने हमने सामना किया है, और आज भी हम संघर्ष की स्थिति में हैं, और हमारी मेहनत बराबर जारी है और इसी तरीके से जारी रहेगी। बस फ्रेंड, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। तो नहीं, ये है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई बात हमको पता चलती है, खुलकर आती है, तो उस पर फिर जो है बोलना ही पड़ सही जाता बात। है, और अभी तो हमेशा मुझे चुप। इधर उधर से पता लग रहा है, अगर जिस दिन मुझे खुल के पता चल गया ना, तो जो ना होगा तो उन थोड़ा ये ध्यान रखना, हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? हम भी तुम्हारे पीछे, पास पैसा का घमंड है तो मेरे पास शरीर का घमंड है, ध्यान रखना, हम और शरीर से तैयार रहते हैं भाई हमेशा। पहली बात तो हम लोग किसी और के ये भी, समझना मत कि ये सीधी है, सीधी हम सबके लिए सीधे नहीं है, जो मेरे लिए सीधा है उसके लिए सीधे हैं, और बाकी हम जानते हो फिर हमारा कैसा नक्चर, हम हमेशा नहीं बात किसी से वो करते हैं, अपनी तरफ से उलझाते नहीं किसी लड़ाई को, और ना ही अपनी तरफ से हम कोई बुराई करते किसी की। मेरी हमने अगर किसी से कहा हो, अगर बुराई किसी से भी, मगर हमने किसी से कुछ भी बात की हो, मेरा आमना सामना करवाओ कि अब तुमने की है, तुम्हारा आमना सामना बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, जितनी बात हम है करेंगे पीछा ना नहीं बहुत छोड़। जल्दी। पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो कोई हमको छेड़ता है, उसको हम पीछे छेड़ते पड़ता है, नहीं है, उसको हम छोड़ते नहीं। और हम अगर पीछे पड़ गए तो हमारे पास फ्रेंड्स की ताकत है, हमारे पीछे 3 लाख सब्सक्राइबर खड़ा है और हमारे फ्रेंड खड़े हैं। तो मैं एक एक बात जो बोलता हूँ, हजारों लोग देखते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं।
तो मैं अपनी तरफ से कोई कुछ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं से जब कोई बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ जाता है तो आज मजबूरी में फिर हमें उस चीज़ का ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, उस विषय में बोल करके। फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझने वालों, आप लोगों के लिए इशारा बहुत है, इसलिए आप प्लीज़ दूसरे से मत जलिए, अपने काम से काम रखिए। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट बोल सकते हो। और मैं क्या बोलूं, मैं यही बोलना चाहता हूं। वीडियो की तुम्हारा थोबड़ा ही नहीं बनाने वाला, तो बनाओगी क्या? तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो अपने आप को अपने आप को साबित करके दिखाओ। दिखाओ ना, बना के हम क्या रोकते हैं तुमको? परमिशन ले लो, लेना जिससे भी लेना हो। हमारा मर्द है जो हमको परमिशन दिए। हम तो दोनों लोग मिल करके बनाते, कोई नंगे थोड़े ही नहीं वीडियो बनाते, विदाउट क्लोथ के, बिना कपड़ों के वीडियो कभी नहीं बनाया इन्होंने। और जितना ब्लॉग है सामने ब्लॉग बड़ा वीडियो थे। अब मेरे चैनल पर तू जाके देख, जो पहले के पड़े थे, हम लोगों को शुरू से कम जानकारी थी, उस जानकारी के अभाव में फिर भी ऐसा नहीं कि किसी में कपड़ा नहीं पहना। पेटीकोट और ब्लाउज भी बहुत बड़ी चीज होती है तन ढकने के लिए। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया हम लोगों ने। और जो लोग टिप्पणी करते हैं वो लोग गलत टिप्पणी करते हैं। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मैंने सारे वीडियो रिमूव कर दिए हैं और एक भी वीडियो पेटीकोट एंड ब्लाउज का आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड यही है, जो बात हमने कहनी थी मैंने कह दिया है। जब थे पेटीकोट ब्लाउज तब थे, हम लोगों की इतनी जानकारी नहीं थी, वीडियो हम लोग कैसे डाले। और फिर डाल भी दिए तो हस्बैंड वाइफ मिलकर के डाले हैं भैया, कोई ऐसा नहीं कि किसी में पेटीकोट नहीं पहना है और नंगे बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब है पेटीकोट ब्लाउज, अब किसी के पास हो तो दिखाइए, हमारे चैनल को चेक कीजिए। इसी चैनल पर आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आप लोग उंगली उठा सके। हम अपने चैनल की बात कर रहे हैं, मेरे चैनल से कितने कौन वीडियो निकाल के अपना फेसबुक में अकाउंट बनाए या कोई किसी उस ने समय जब पड़े थे दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो शेयर किए। मेरे नाम से फ्रेंड कम से कम 4-5 चैनल फेक चल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? वो मेरे चैनल से निकाल चुके हैं, अपने हम डाल चुके हैं। अब तो मेरे चैनल में एक वीडियो भी नहीं मिलेगा तुमको, तब भी इतनी खलबल दैया। हम डालेंगे भी तो क्या दिक्कत, तुमको क्या परेशानी? मैं अपना डाल रहा हूँ, हम दोनों लोग हम परमिशन दे रहे हैं, मैं वीडियो दोनों लोग मिल करके बना रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? उसकी वीडियो बनाते मैं बहुत जलनदारी हो रही, बात टाइम नहीं कहूँ हमारे पास आओ रहा है इनके पास अटैक पड़ गया था, तब नहीं कौन पूछने आया था मेरे पास की तुम्हारे पास क्या दिक्कत हो गई भाई? संघर्ष झेला है हम लोगों ने, संघर्ष झेला, इनका पैर टूट गया, हम मरते हुए बचे हार्ट अटैक से, तब किसी ने हमारी सुध और खबर नहीं ली। अब जब देख रहे हैं कि हमारे वीडियो चलने लगे हैं तो हमारी चर्चाएं लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो बताओ ये ऐसे मत दियो जल के, हमारा जलते रहो, हमें क्या करना है, फूकते रहो। आमने सामना हुएगा ना तो अगला तैयार है, हम तो चमकते, हम तो क्या ना, हमारे पास खोने के लिए कुछ है ना, हम ये चीजों का माइंड में लेते ही नहीं किसी की बातों को। जाने कितने लोग कमेंट करते हैं, तो मैं सभी का बदले में जवाब देता रहूं तो मैं इस सब चीजों में नहीं पड़ता हूं। और बुद्धिमान विवेकशील इंसान के हैबिट होती है कि वो अपना समय फालतू की चीजों में नष्ट नहीं करता, दूसरों की कमियां ना निकाल के अपने अच्छे काम के लिए लगाता है जो आगे उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की ओर ले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, लोग अपनी गंदगी देखने के बजाय दूसरे की गंदगी सूंघते फिरते हैं कि इसके कपड़े महक रहे हैं। और उन लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान की तरफ थूकता है तो उसका थूक उसके मुंह पर गिरता है ना, ऊपर दूसरे के ऊपर, तो उसका थूक उसके मुंह पर गिरता है आगे। अब खैर मैं जहाँ पर हूँ प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, हमें मोहल्ले वालों से कोई दिक्कत है और दूर दूर तक हमें इस गांव से भी कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचानी थी मैंने अपनी बात के माध्यम से कह दिया, जिसको परेशानी हो वो सामने खुल करके बोले, हमारे मुँह पर बोले, मैं सभी को जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। और मैं अपनी तरफ से किसी को छेड़ता नहीं हूँ, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप देखिएगा, और अच्छे ना लगे तो बहुत सारे वीडियो आते हैं, जो अच्छे लगे वो देखिए, हमारे वीडियो स्किप कर दीजिए। मैं ज्यादा किसी से मैं ये थोड़े नहीं कहता हूँ कि जबरदस्ती तो हमारे वीडियो देखो, उसमें मजा कहाँ है? मजा तो हम लोग हमारे वीडियो देखने में ज्यादा टिप्पणी करते हैं। अब मजा भी मतलब हमारे वीडियो मिल लो, हमारे वीडियो देखने मिल लो, तो ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई कोई बात आएगी तो मैं आगे का एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं सोशल मीडिया पर अपनी जो हमारे परेशानी है मैं बराबर रखता रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं साइबर थाने में जाकर अपनी बात को रखूंगा।
और वहाँ भी मैं अपनी एप्लीकेशन लगा दूंगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से और बराबर देखते रहिए। और थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।